और इस दरवाजे से मैं नगर में प्रवेश कर रहा हूँ। अभी मैं नटनागर स्वस्थ संस्था के लिए जा रहा हूँ। हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी के सहयोग की वजह से मेरे YouTube चैनल ने 100 सब्सक्राइब अबो कर लिए हैं, और आप सभी के सहयोग की वजह से जो मुझे हैं URL कोड मिल चुका है, जो YouTube की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो URL कोड मिलने के बाद अपनी खुद की ID बन जाती है अपने YouTube चैनल की, तो वो सब मैंने कर लिया है। और अभी इस वाले वीडियो में मेरे साथ देखने वाले हैं आप सीतामू टूरिज्म। अभी यहाँ से सीतामू करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर रह चुका है, और इस वाले वीडियो में आप देखेंगे 3 स्टेप में देखने जा रहा हूँ, 3 टूरिज्म प्लेसेस देखने जा रहा हूँ मैं सीतामू में। एक है सीतामू का जो गढ़ पैलेस, उसको देखूँगा, और दूसरा मोड़ी माता जी टेम्पल, उसको देखूँगा, और तीसरा जो है सीतामू में जो बहुत फेमस है एशिया का सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है नटनागर स्वस्थ संस्था, उसको भी मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों इस वाले वीडियो में सीतामू टूरिज्म। तो आ चुका हूँ दोस्तों मैं मोड़ी माता जी टेम्पल। तो ये है मोड़ी माता जी टेम्पल, तो इसमें जाके मैं माता जी का दर्शन वगैरह कर लेता हूँ, और फिर अंदर की जो लोकेशन क्या क्या है उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। ये मेन एंट्री द्वार है मोड़ी माता जी टेम्पल का, काफ़ी फेमस है माता जी का मंदिर वगैरह भी, और इसको जाके अंदर से देखूँगा। ये मेन मंदिर का जो मेन लोकेशन ये है, ये मेन मंदिर है माता जी का। नमस्कार, जाता हूँ दर्शन वगैरह करता हूँ माता जी के। एक तरफ बालाजी की मूर्ति वगैरह है, बालाजी का मंदिर एक साइड में, और एक साइड में बड़ी माता जी का मंदिर। ये था माता जी की मूर्ति वगैरह, मंदिर काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है। तो भाई अभी क्या साफ सफाई का काम चल रहा है आसपास। इधर जो है गरबा पांडाल बन रहा है, इस साइड गरबा मंडल की व्यवस्था वगैरह हो रही है, यहाँ पे पांडाल वगैरह बन रहा है, ताकि गरबा जो नवरात्रि आने वाली है उसकी तैयारी जो है बहुत ज़ोरों से चल रही है। तो ये था अभी लोकेशन का और कुछ हिस्ट्री वगैरह मोड़ी माता जी टेम्पल की। तो दोस्तों ये था मंदिर माता जी, मोड़ी माता जी का मंदिर ये मैंने देखा। अब आसपास और घूम लेता हूँ, उसके कुछ और जानकारी अपने को मिल सके या और भी कुछ देखने लायक हो, जैसे एक और टेम्पल वो उसको देखने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो इसी के प्रांगण में एक और मंदिर वगैरह है, यहाँ पे इस साइड रह गया मोड़ी माता जी का मेन मंदिर, और पास ही में एक और मंदिर है भगवान शिव जी का, उनकी पेंट लगी हुई है यहाँ पर, ये देखूँगा। तो ये मंदिर है, इसका सामने का बैक साइड उस तरीके से उधर देखने में जा रहा हूँ। तो ये मोड़ी माता जी प्रांगण में एक और मंदिर था, भगवान शिव की पेंट लगी हुई है, और ये मूर्ति वगैरह जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर ये भी था मोड़ी माता प्रांगण में। अभी जो ये साफ़ सफाई वगैरह चल रही है यहाँ पे, और गरबा मंडल की जो तैयारियाँ नवरात्रि आने वाली है, तो उसकी तैयारियाँ वगैरह ज़ोरों से चल रही है। बस तो कुछ ज़्यादा देखने लायक नहीं था, ठीक था मंदिर, काफ़ी खूबसूरत था। अभी क्या है कि ज़्यादा श्रद्धालु वगैरह नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पांडाल वगैरह सजा रहे हैं, क्योंकि गरबा की तैयारी काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। तो ये था मंदिर। अब इसी के बाद मैं नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहा हूँ, जो यहाँ पे गढ़ हवेली है सीतामू में। तो एक छोटू मिला था, ये जानकारी दे रहा था दोस्तों में, ये वाला क्या नाम है भाई तेरा, राघव बागड़िया। अच्छा यार, तो ये बता रहा था कि पास में जो एक और छतरियाँ वगैरह लगी हुई है, ये वाली जो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, इनमें क्या क्या है ये भी पहली बार देख रहा हूँ, अंदर जाके देखूँगा और अच्छी होगी खूबसूरत, तो देखने के लिए जाएंगे सही। तो धन्यवाद भाई दोस्त, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट बार। ओके, ये पुराने काल की जो छतरियाँ वगैरह हैं, देखो मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको, अंदर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि अंदर ताला लगा रखा है, नहीं तो अंदर जाके मैं खुद भी देखता। ये जो छतरियाँ दिख रही, 1, 2, 3 छतरियाँ हैं यहाँ की, जो पुराने ज़माने की छतरियाँ हैं, ऐतिहासिक से जुड़ी हुई,
अंदर जाके देखता मैं, पर इस प्रकार से ताला लटक रहा, देखो ताला लगा रखा, तो जिस कारण नहीं जा पा रहा हूँ। खैर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मेन जो नगर में पहुँचने के लिए, अपना एंट्री होने के लिए एक दरवाज़ा ये है, और ये दरवाजा जो है अपना उत्तर दिशा में है, और इस दरवाजे से मैं नगर में प्रवेश कर रहा हूँ। और ये सीतामो नगर का बहुत ही खूबसूरत मार्केट, काफ़ी अच्छा नज़ारा था यहाँ का भी। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं मेन जो यहाँ की हवेली है सीतामो साम्राज्य की, उसको हवेली को देखूँगा। ये मेन एंट्री द्वार है इस, और फिर आपको दिखाएँ कि किस प्रकार से ये हवेली का ये दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा ये था, ये मेन एंट्री द्वार था। मैंने बताया था उस वाले जो दक्षिण दिशा की नहीं, हाँ तो मतलब उत्तर दिशा की साइड से जो मेन एंट्री द्वार था उससे होके मैं अंदर आया था। और फिर ये देख रहे हो ना मेरे सामने ये वाली, ये है गढ़ पैलेस, ये सीतामो का सबसे बड़ा गढ़ पैलेस है ये वाला। ओके ये वाला गढ़ पैलेस, तो अभी इसमें क्या है, स्टेट बैंक लगी हुई इसमें, अभी स्टेट बैंक को ओपन कर रखा है इसमें, ये वाला गढ़ पैलेस है। और ये एक सिंबल जो वो सत्यमेव जयते वाला जो सिंबल दिख रहा है यहाँ से, वो वाला जो वो उस साइड हो बीचों बीच वो। तो मेरी जानकारी के अनुसार दोस्तों कि ये वाला जो महल है इसको राजा राम सिंह जी द्वारा बनाया गया था उनके शासनकाल में, और उस समय इस महल को जो है किशन महल के नाम से ये वाला महल जाना जाता था। और राजा राम सिंह जी द्वारा ही जो है सीतामो साम्राज्य का नवीनीकरण किया गया था, अनेक प्रकार के कार्य उनके द्वारा कराए गए थे, और इन्हीं के करकमलों द्वारा राजा राम सिंह जी द्वारा ही भगोर में और कोटेश्वर जो यहाँ से करीबन 7-8 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है, भगवान शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे कोटियाँ वगैरह भी राजा राम सिंह द्वारा जी ही लगाई गई थी। और ये जो पूरा सीतामो गढ़ है ये पूरा किला हुआ करता था उस ज़माने में, और इसमें प्रवेश होने के लिए आपको 4 दरवाजे हैं इसमें प्रवेश होने के लिए। अभी मैं जिस दरवाजे से आया था वो दरवाज़ा जो था वो उत्तर दिशा की तरफ था, तो इस प्रकार से 4 दरवाजे चारों दिशाओं में हैं यहाँ पे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में 4 दरवाजे मौजूद हैं। अभी भी आप ये चारों दरवाजे देख सकते हैं। और इस प्रकार से जब सीतामो का जो साम्राज्य था वो भारत की रियासतों में सम्मिलित नहीं हुआ था, उससे पहले जो है राजा राम सिंह जी द्वारा ही इस सीतामो का जो किला है और सीतामो का जो साम्राज्य है और इसकी जो सीमाएं हैं, इधर से तित्रोद जो गांव है वहां तक फैली हुई थी, जावरा तक फैली हुई थी, उधर से नारगढ़ तक फैली हुई थी जो मलारगढ़ के पास में पड़ता है। और श्री महाराजा जी राम सिंह जी जी थे, उनकी मृत्यु जो है, उनका निधन जो हुआ था 5 मई 1967 के दिन उनका निधन हो चुका था। तो ये थे इसकी लोकेशन दोस्तों, इसी जो है लोकेशन, ये जो गढ़ है इसी गढ़ के प्रांगण में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, तो उस वाले मंदिर को मैं देखूँगा कहाँ है मंदिर। तो ये छोटी छोटी हवेलियाँ, छोटे छोटे घर हैं अभी, और कुछ नहीं है। इस घर के अंदर जाके देखूँगा इसमें क्या है, वर्तमान में अभी क्या है। पूरी हवेली जो है काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत इसका स्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी दिख रही है। इसके पास देखो पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, हरियाली काफ़ी अच्छी है, हरियाली से भरपूर है। तो ये है एक छोटी सी ओपन होने वाली एक घर टाइप का, ये अभी खंडर की दशा में है, अभी कुछ नहीं, खंडर लग रहा है। एक और वो पास में ये है, तो ये था लोकेशन इसकी। ऊपर भी बहुत अच्छी से हवेली है, ऊपर जा सकते हैं अगर अपन देखने जाएं तो ऊपर जा सकते हैं। और एक और मेन जो लोकेशन इसकी ये वाली, ये है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है यार। अभी भी इस जो देख रहे हो इसकी अलमारी पे कांच वास जड़े हुए हैं, अभी भी कांच वास जड़े हुए हैं, आसपास काफ़ी खूबसूरत है पेड़। और दिख रही दरगाह, एक ये मंदिर भी है दोस्तों यार, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ये वाला भी, जो संगमरमर के पत्थरों से बना रखा है मंदिर, अभी बंद है, पता नहीं अभी ताला लगा रखा, नहीं तो इसको भी जाके अंदर देखता मैं, और उस साइड जाके देखूँ देखो उस साइड क्या है। सीढ़ियाँ पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ अभी भी देखो, ये वाली पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं सारी,
काफ़ी लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है, और अंदर अगर अपन जाना चाहें तो देख सकते हैं ये अंदर इसके कुछ भी नहीं है, सब खाली है। और ये अभी भी दीवारें ऐसी की ऐसी दीवारें हैं, ये मिट्टी का लेप इन पर कर रखा है इन दीवारों पे, और ऊपर जो चद्दर वगैरह लगा रखे हैं। और एक और दरवाज़ा ये है अंदर, ये वाला कुछ नहीं, बस सुना सुना है और कुछ कोई ज़्यादा और कुछ नहीं है। एक लोकेशन, एक और दरवाज़ा ये वाला है, इस पर तो मैं नहीं। तो ये था खूबसूरत सा मंदिर है। फिर वापस जाते हैं नीचे, उस साइड जाके देखूँगा उस साइड क्या है। एक दरगाह का भी निर्माण कर रखा है यहाँ पे, ये वाली दरगाह है। कौन सी? ये वाली दरगाह है दोस्तों यार, ये देखो। ओके, तो अभी ये देख लिया अपनों ने गढ़ पैलेस, जो किशन महल के नाम से जाना जाता था। अब मैं जा रहा हूँ फिर आगे, आगे की लोकेशन। अभी मैं नटनागर सो सस्ता के लिए जा रहा हूँ। नटनागर सो सस्ता अगर अभी ओपन होगा तो उसको देखेंगे, वहाँ जाऊँ तो सही, फिर पता चले ओपन है या नहीं। अभी से कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी तो करीबन 4 बजे का समय हो रहा है। उसके बाद जाके नटनागर सस्ता सस्ता के लिए तरफ जा रहा हूँ। अभी आगे कुछ नहीं है, सब दूर जो है अच्छे अच्छे से महल थे, लेकिन अब क्या खंडर बन चुके हैं। ओके, तो ये था अपना पूरा किशन महल, जो सीतामऊ का मेन जो सेंटर का इलाका है, मेन मध्य में स्थित है अपना किशन महल। ओके, अपन जाते हैं फिर नटनागर सस्ता देखने के लिए। तो किले से बाहर निकलते ही ये एक और एंट्री द्वार था, जो ये मेन एंट्री द्वार था। इसके जस्ट एंट्री होंगे आप, और अंदर जो महल है वो किशन महल जो भी मैं देख के आया, उसके में उसमें प्रवेश होने के लिए आगे एक और दरवाज़ा है, वो मेन। और ये लास्ट द्वार मतलब दरवाज़ा था, हो सकता है बाउंड्री वाल जो आगे है एक और भी हो सकता है, लेकिन अभी ये लास्ट दरवाज़ा था, ये जो देख रहे हो आप, ये मेन दरवाज़ा था यहाँ का। दोस्तों, आ चुका हूँ मैं नटनागर सो सस्ता देखने के लिए। अब इसके अंदर जाऊँगा और नटनागर जो सो सस्ता जी है इसमें जाके अपन देखते हैं किस प्रकार की है ये नटनागर सो सस्ता, और फिर देखेंगे। लाइब्रेरी है ये, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का नाम जो और किताब इसको दिया जाता है। तो मैं अंदर जाऊँगा और अंदर जाके देखूँगा अभी ओपन है कि नहीं, ये सब जानकारी ले लेंगे। चलिए देखते हैं अंदर जाके। आप देखिए कब की है ये, कौन सा ये? तो ये फोटो जो दिख रहा है किसका? अच्छा, ये पंच मशीन होगी। नहीं, ये तो खैर रखे अब तो पहले के, तो देखिए एक पॉट कैसी थी, ये खोल करके रख देते थे इनको, और हाँ शायद ऐसी थी, और इसमें से ये सब स्टाम्प है ना सर? सब पेपर वेट है, ये तो पेपर वेट है, सब पेपर वेट है, ये सब पेपर वेट है, ये नहीं, ये है खाली। जो मालवा सूबा के अंतर्गत देपालपुर परगना में एक मस्जिद को मददे मास के तहत अनुदान दिया गया 1115 में, 1703 इस प्रकार की ग्रांट औरंग, किंतु उसने ग्रांट भी कई मंदिरों को दी है। महाकाल मंदिर को दीप प्रज्वलित भी मालवा है, और यहाँ भी मालवा है, तो मालव लोगों के आगमन के कारण ये मालवा कहला है। बढ़िया सर, बहुत अच्छा रोचक जानकारी, ठीक है भैया जी सर। ये देखिए, ये जितनी गजेटिया हमारे पास, चाहे बम्बई यूपी वगैरह गुजरात सारे सारे रघुवीर सिंह इंडियन स्टेट थे, ऊपर लिख चुके हैं, इंग्लिश में लिख सके हैं, देखो। हाँ, ये मात्र 10 रुपए की किताब थी उस जमाने, पहले 10 रुपए भी तो ज्यादा पैसे बराबर प्राइस दे रखी सर इसकी। हाँ, दे रखी प्राइस रुपीस 10। हाँ, वेरी गुड, प्राइस रुपीस 10 है जी सर। भाई देखिए, 1938 की है, 1938 की। दोस्तों, ये सारी जो किताबें देख रहे हो आप, बहुत ही खूबसूरत किताबें हैं, और दुनिया के तमाम राइटर जो हुए हैं, चाहे वो कोई से धर्म से संबंधित हो और कोई कौन से ही देश के निवासी हो, उन सभी राइटर्स की किताबें इस वाली प्यारी सी लाइब्रेरी में मौजूद है। आप आओ तो देख सकोगे यहाँ। ये पूरा हमारे पास पूरा शेक्सपियर द्वारा, शेक्सपियर ऑफ द कंप्लीट, हाँ ओरिजिनल है, फर्स्ट एडिशन है जी सर।
ये देखिए हाँ ये सिडनी ली शेक्सपियर का सर सिडनी ली द्वारा है ना हाँ, ये वॉल्यूम 5 है वॉल्यूम 5 है किंग हेनरी का लिख रखा हाँ, है जूलियट भी है हाँ जूलियट सीजन भी है ये सारा फ्रेशनेस देखा कितनी अच्छी कंडीशन है ये उनके हाथों की लिखी हुई हाँ शेक्सपियर के सारे हाँ, वॉल्यूम है ये उसी के जी सर बुक ऑफ मेडिकल बुक मार्क हाँ वो मार्क के लिए किंग रिचर्ड थर्ड भाई ये यूरोपियन कालिदास है हाँ सर और दूसरी बात ये है कि हमारे पास पूरी लाइब्रेरी में नीचे जमीन पर दरियां बिछी हुई हैं इसमें नहीं बिछी यहाँ तक उनके अध्ययन के लिए हमने सब यहीं एकत्रित कर दिए ये सारे जैन सूत्र और ये तो दोस्तों बात हो गई थी भैया जी से हमारा तो उन्होंने बोल दिया चलो वीडियो बना लेना तो थोड़ा बहुत ही मैं वीडियो बना पाया और हम देख लिया हमारे साथ ये भैया जी भी जो थे क्या नाम भैया जी आपका पंकज सोनी सुहासरा कहाँ से आए थे सुहासरा से आए थे मैम भी थे हमारे साथ ये मैम जो है इंदौर से आए थे मैम आपका परिचय दीजिए थोड़ा जी मेरा नाम वंदना सोनी है जी और मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ बहुत अच्छा कैसा लगा मैम आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा जो बुक्स हैं मतलब इतनी साल पुरानी होने के बावजूद भी आज ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी लिखी हो मतलब बहुत ही अच्छा लगा हाँ अच्छी किताबें हैं सारी वही हिस्ट्री काफ़ी अच्छी हैं यहाँ की हिस्ट्री भी अच्छी है जी जी तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके देख के भी किताबें भी और अपने मालवा क्षेत्र की और आसपास पूरे इंडिया लेवल की जानकारी अपने को मिलती है क्योंकि किताबें यहाँ जो है दोस्तों किताबें यहाँ बहुत पुरानी पुरानी है मतलब वर्ल्ड जीके आप पढ़ना चाहो कोई PhD करना चाह रहा है तो भी यहाँ आके पढ़ सकते हैं सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ये लाइब्रेरी ओपन रहती है तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा के डेली आ के पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी थी हम तीनों ने देखा आज वो आप भी अच्छा लगा और भैया जी जो यहाँ रहते हैं इनका रेसिडेंसी है ये पास में यहाँ पे वो रहते हैं तो एक और लोकेशन पे आ चुका हूँ मैं दोस्तों ये जो है सीतामऊ में बन रहा है जैन टेम्पल इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसको भी देखने के लिए मैं जा रहा हूँ किस प्रकार से बन रहा है लोकेशन ये जो सीतामऊ में जो ITI है ना उस ITI के पास में ही पड़ता है ये वाला टेम्पल जो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसको मैं अगर देखेंगे किस प्रकार से हैं ये लोकेशन काफ़ी ठीक लग रही है इसकी अभी क्या है काम चल रहा है तो दोस्तों ये एक जहाज की आकृति का है दोस्तों ये पूरा क्या है जहाज की आकृति का देखियो इतना बड़ा जो बना रखा है जहाज ये जो मतलब इसका नीचे वाला पार्ट है जहाज का और ऊपर वाला जो पार्ट है ना ये देख रहे हो आप ये वाला ये पूरी तरह से जहाज के आकृति में बना रखा मंदिर अब मैं जाता हूँ अंदर जाके देखता हूँ काफ़ी खूबसूरत है यार ये यहाँ पे कोई है नहीं ओके यार ये पूरा जो मंदिर है ये पूरे जहाज की आकृति का बना हुआ था उस साइड से जो मैं आया था उस साइड होके एक दरवाज़ा उस साइड है इसका आने के लिए और एक दरवाज़ा इस साइड से आप आ सकोगे पास में ही वो ITI वगैरह है और ये देखो काफ़ी खूबसूरत बनके तैयार होगा ना ये तो काफ़ी और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा अब मैं जाता हूँ अंदर की साइड अंदर देखूँगा ये भैया जी दोनों हैं ये यहाँ पे वर्कर हैं दोनों जी काम करते हैं कैसे हो भैया जी सब बढ़िया है भैया बढ़िया है अच्छा है तो ये था मंदिर का लोकेशन इतना बड़ा सा है ये एक साइड इस तरह से यहाँ पे और एक साइड वो अभी जो क्या पत्थर की नक्काशी पे बनी हुई है तो कुछ डिज़ाइन बताता हूँ मैं आपको ये देखो पूरा जहाज की आकृति का बना हुआ टेंपल है ये जो भी बन रहा है ये इसकी अलमारी है ये जब अपन जहाज में बैठे हो रहते हैं और देखते हैं ना पानी व पानी का देखने का एक छोर तो ये देखो ये पेंटिंग बनी हुई है ये सारी पेंटिंग जो है ये अपने जैन टेम्पल्स के है जैन धर्म से संबंधित है मैं जब पिछली वाला वीडियो में अगर आपने देखा हो मेरा तो मैं गया था दिगंबर जैन मंदिर जो है ना भाई पार्श्वनाथ मैंने वहाँ जाके देखा था तो वहाँ पे भी कांच के एक डिज़ाइन में ये वाली पेंटिंग बना रखी थी मतलब इस वाले संगमरमर के पत्थर पे ऐसी वाली डिज़ाइन मैंने वहाँ पे भी देखी थी एक उस साइड भी डिज़ाइन है वो भी देखूँगा मैं
लेकिन मंदिर काफ़ी खूबसूरत हैं, पिलर्स वगैरह बन रहे हैं और पूरा जो पत्थर जो है काफ़ी खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से इसका निर्माण हो रहा है। उस साइड जाके देखूँगा मैं, काफ़ी खूबसूरत है ये ऊपर जाने का। अभी नीचे वाला पोजीशन देख लेता हूँ फिर ऊपर जाऊँगा मैं। दो साइड ही ऊपर जाने का देखो कितना खूबसूरत संगमरमर का पत्थर है ये पूरा, काफ़ी डिज़ाइन अच्छी है। देखो ये एक और डिज़ाइन, मतलब सेम डिज़ाइन है उस जैसे डिज़ाइन, एक और यहाँ पे भी है पत्थर की निकासी पे डिज़ाइन कर रखा है ये पूरा संगमरमर का पत्थर है। और ये इसका बैक साइड है, जहाँ आप जहाज को देखो और इस मंदिर को देख लो पूरा आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है कि जहाज में बैठे हुए हो। और अगर आप कभी जहाज में नहीं बैठे हो तो सीतामऊ में जो लद्दुना रोड पे जो है अपना नवोदय विद्यालय है इसके सामने जो है मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उस वाले मंदिर को आप देख लोगे। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर की साइड, ऊपर देख के आऊँ ऊपर किस प्रकार से है ये। वाओ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशंस हियर। ये देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत है। पहले देखता हूँ मैं बैक साइड, तो ये है दोस्तों बैक साइड। ये देखिए पूरा जहाज की ही आकृति में पूरा बना हुआ मंदिर है। और इधर देखिएगा आप तो ऐसा लगेगा जैसे खाली समुद्र। और ये है इसका जहाज का पोजीशन, ये वाला ये। और पीछे देखो तो ये वाला मंदिर है, ये खूबसूरत मंदिर जिसका निर्माण हो रहा है अभी, बाकी काफ़ी खूबसूरत है। उस साइड देखोगे तो आप जो हाईवे निकल रहा हुआ है उस साइड, और ये रह गया अपना सीतामऊ सिटी। तो ये एक छोर इसका ये है, एक छोर इसका ये था और एक छोर उसका वो था। तो ये था पूरा जैन टेम्पल्स। तो देखा मैंने यार, काफ़ी खूबसूरत मंदिर था ये, पूरा देख लिया है। अब देखने के बाद वापस इस वाले गेट से मैं बाहर जा रहा हूँ, तो काफ़ी खूबसूरत था। हाँ जी सर, निर्माण 4 साल से रुका होगा। अच्छा, बन जाए तो काफ़ी खूबसूरत लगे यार। अंकल जी का भी यही कहना है, हमारे अंकल जी हैं। और ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, इसकी जो डिज़ाइन बना रखी पूरे बहुत बड़े जहाज की बना रखी है, ऐसा लगता है कि खाली समुंदर है आसपास इसके। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे समुंदर में तैरता हुआ जहाज है ये, क्योंकि आसपास इसकी बाउंड्री काफ़ी खूबसूरत है। और ओके, इस वीडियो को अभी यहीं से समाप्त कर रहा हूँ मैं। बाय। और कैसा लगा ये वाला वीडियो? अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली को और अपने चाहने वालों को आप शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, गाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।